हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के 4 बजे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक शादी में, गांव में ही शादी है, भाई की शादी है। तो आज वहाँ पहुँचे हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ का हिमाचल की शादी होती है और कैसा यहाँ का प्रोसेस होता है। दोस्तों बने रहे आप आज नए ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो प्लीज़ चलो ले चलते हैं शादी में। दोस्तों ये है दूल्हे का घर और कुछ इस तरह का सजाया हुआ। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है और मैटिंग पूरी नंबर एक वाला काम हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और दोस्तों ये इस तरह का है व्यू, दोस्तों हम अभी पहुंच गए हैं रसोई में, जहाँ पे देखो सामान पूरा आ गया है। और जैसे आज मतलब, तो दोस्तों आज है निंद्रू, जो कि हिमाचल में शादी का जो पहला दिन होता है उसको निंद्रू बोलते हैं। तो हमारे यहाँ मंडी में, तो देखो गोभी यहाँ पे पहुंच गई है, ये बड़े बड़े पतीले हैं, देखो ये चरोटी है जिसपे हम खाना बनाते हैं, चावल बनता है इस पर। और देखिए हमारे यहाँ पे विजय भाई साथ में हैं, ये हमारे बहुत ही पुराने बंदे हैं, ये भी देखो हमारे साथ हैं। तो देखो इनका पूरा सामान लेके आ रहे हैं बंदे, आज चूल्हा है। और ये होती है हमारी, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं यहाँ पे आग जलेगी, और यहीं पे मतलब आपको अपडेट मिलती रहेगी कि किस तरह से यहाँ पे आग जलती है और कैसा यहाँ का खाना बनाने की विधि है। तो कुछ इस तरह का किचन है यहाँ पे। गोभी देखो आप। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ शादी में, और मेरे साथ हैं मेरे विजय भाई। तो बात करते हैं विजय भाई से। देखिए ये हैं विजय भाई, तो कुछ हैं बहुत दूर से आए हैं भाई। भाई शादी कहाँ लगी है ये बता दो इनको जरा। ये लगे है बुलचौतरा में, बुल्ले चौतरा में लगी है, मतलब इनका मतलब है नीचे वाले चौतरा में लगी है, लोअर चौतरा में। घर ढूंढने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है हमारे साथ इनका, आप बता दो आप कैसे कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं? आंगन से पहुँचे हैं। कहाँ से आए अभी? चौंदरा से। ओके, बोले चौंदरा से आए हैं। अच्छा अच्छा, ये देखो पापा जी आ गए हैं। यही मतलब मेन बोटी बोलते हैं यहाँ की, मेन बोटी यही है। तो और देखो ये आए हैं आज चाय बनाएंगे यहाँ पे, हम चाय पियेंगे आज। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों अभी हम ये है मसाले जिनको हम अभी पीसेंगे मिक्सी के साथ। चलो लगाते हैं मिक्सी। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है, यहाँ पे लकड़ी से आग जलाई जाती है और यहाँ पे बर्तन रखे जाते हैं जिस पे खाना बनेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह की तैयारियाँ चली हुई है। यहाँ पे आज बन रहे हैं चने, इसका चने का, ये भी चने हैं। तो बहुत अच्छा प्रोसेस रहने का अभी। और ये देखो बंदा हमारा गया गोभी धोने। तो विजय भाई कैसा लग रहा है अभी राज शादी में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो ठीक है ठीक है, हाँ ओके। और कुछ मौसम इस तरह का है, आज धूप लगी हुई है और काफ़ी धूप लगी है और काफ़ी अच्छी सीनरी यहाँ पे दिख रही है, घने जंगल, पेड़ और देखो पौधे, कितनी हरियाली हरियाली है यहाँ पे। ये है दूल्हे के पापा, कद्दू जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में कद्दू। और ये है कद्दू छीलने वाले हमारे बंदे, क्या नाम है जी आपका? प्रथम सिंह पप्पू। प्रथम सिंह पप्पू चाय पी रहे हैं अभी हैं जी। हाँ हाँ, तो इनका देखो चला हुआ है काम। बना दिया वीडियो, चलिए
तो ये टमाटर अभी ग्राइंड होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनको अभी अच्छे तरीके से धोया जाएगा, जो कि हमारे विजय भाई बहुत एक्सपर्ट है, खुद खेती करते टमाटर की, इनके घर के खेत टमाटर है ये। तो दोस्तों ये रिवाज होती है कि खाना बनाने से पहले अग्नि की पूजा की जाती है ताकि सारा शादी में खाना अच्छा रहे और बहुत शादी जो है वो खूब धूमधाम से हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे, तो देखो बोटी साहब भी अग्नि की पूजा कर रहे हैं ताकि जो खाना बने बहुत अच्छा बने। ये टेक्निक देखो कद्दू को छीलने की, इनके पास बहुत ही अनेक तरीके हैं जो कद्दू को छील देते हैं। ये देखो इन्होंने ये इससे कद्दू छील रहे हैं, छीलने के बाद यहाँ पे इन्होंने काट दिया। साहब कहाँ से आए हो आप? यूपी से। यूपी से कहाँ पे घर आपके? गोरखपुर। अच्छा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शादी में आए हैं? शादी में आया हूँ, यहाँ बारात में जाऊँगा मैं। बारात में जाएंगे? चलो ठीक है ठीक है, ओके। तो ये अभी देखो शिमला मिर्च काटी जा रही है, बनेगी मिक्स वेज बनेगी। यहाँ पे देखो बीन्स है, गाजर है, अभी गाजर भी बनेगी। सबको मिक्स करके तो गोभी धो के बढ़िया तैयार हो गई है, अब तो कढ़ाई में जाने के लिए तैयार है। तो ये गोभी वोभी हो रही है फ्राई। ये हमारे शंकर भाई हैं, देखो प्याज छील रहे हैं, बहुत ही खतरनाक बंदे हैं ये, थोड़ा लेट पहुंचे हैं। तो से हाय, हेलो, कैसे हो? तो दोस्तों ये देखो गोभी अभी बन गई है, और देखो विजय भाई सुबह से काम कर रहे हैं, चावल धो दिए, देखो बहुत ही बंदा खतरनाक है ये। इन भाई ने भी दिया है जोर, प्याज छील रहे हैं। और ये देखो ये एक पर्सन आ गए, देखो बहुत ही खतरनाक है, देखो सुबह से इनका वेट कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं बंदे 6 बजे, और आते ही देखो इनको सीट चाहिए बैठने के लिए। ये देखिए बैठिए, ये देखो आते ही इनको सीट चाहिए बैठने के लिए। तो देखिए किस तरह से पालक को धोया जा रहा है, और धोने के बाद इसको, तो अभी देखो ये इस रोटी में चावल डाल रहे हैं, तो चावल रेडी हैं बनने के लिए। इसका बनेगा अभी फ्राइड राइस बनाएंगे ये, तो दोस्तों बने रहिए आप लोग के साथ। अभी डाल दिए हैं चावल, तो चावल भी हो रहे हैं तैयार, और देखो किस तरह से, ये देखिए तो दोस्तों अभी देखो इसमें डाल दिया है तेल, जो कि इसमें बनने वाला है कुछ आइटम, तो बोलते हैं क्या बनने वाला है इसमें क्या बनने वाला है भाजी? चने कौन से चने बनने वाले हैं? स्पे चने डॉलर वाले बनने वाले हैं। अच्छा ये चने बनने वाले हैं, ओके। तो ये लग गया तड़का, बहुत ही आज स्पेशल डिश बनने वाली है, तो आप बने रहे ब्लॉग में। बात ऐसी तो दोस्तों यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं धाम की, जो आज शादी का फर्स्ट डे है, तो कुछ बंदे यहाँ पे देखो प्याज काट रहे हैं, और कुछ यहाँ पे प्याज लगा रहे हैं। आप भी ब्लॉग के साथ बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों ये जल गया है प्याज, और अभी इसको अच्छे ढंग से भुना जाएगा। ये बन रहा है फ्राइड राइस, तो बहुत ही अच्छा। देखे देखे।
देखो कितना यम्मी सा लग रहा है, बहुत ही। तो दोस्तों आज बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बन गई मिक्स वेज। तो भाई साहब बंदे यहाँ पे डांस कर करके इन्होंने बुरा हाल कर रखा है और मैं आ गया हूँ बाहर, तो दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का यहाँ का व्यू है। और देखो इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन करा। जैसे आपको पता होगा कि एक यूट्यूबर के लिए लाइक और सब्सक्राइब एक बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों देखो यहाँ की रिवाज है कि बातचीत शुरू होने से पहले जो दूल्हा होता है वो उसकी पूजा करता है। और ये देखो ये रिवाज है कि सबसे पहले दूल्हा ढोलक पे इसको बजाएगा, उसके बाद ही जो बाजे वाले हैं वो आपको बजाएंगे। तो दोस्तों अभी देखो शुरुआत हो रही है आज के बैंड बाजे। दोस्तों ये बन गए हैं पेड़े और इस अभी बनेंगे इसका भटूरा। तो देखो किस तरह से इन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा है। बस खुल गया। तो दोस्तों ये देखो भटूरा तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह का यहाँ पे हिमाचली धाम का जो प्रोग्राम है शादी का, आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा आपको लगा। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं सुबह एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।